प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, ये जो पद है ये कवि आलम द्वारा रचित है और प्रेम के लिए काव्य से उद्धृत है। इस पद के माध्यम से कवि आलम ने लोगों को क्या संदेश दिया है, तो देखो, एक बार मैं इसको पढ़ करके बता देता हूँ। शीत रिपु भीत भई छाती राती ताती तय, शीत रिपु भीत भई छाती राती ताती तय, ऐसे ताप तिये तन तय है न तवेंगी। शीत रिपु भीत भई छाती राती ताती तय, ऐसे ताप तिये तन तय है न तवेंगी। आलम अनिल इस राय के कलिन मिली, आलम अनिल इस राय के कलिन मिली, दीनों है कलेश सुधी आए दोनों दबेंगे। ग्रीषम ते उषम है, ग्रीषम ते उषम है विषम अषाढ़ ऊधो, ग्रीषम ते उषम है विषम अषाढ़ ऊधो, माधो जो न आए मन भ्रमर जो भवेंगे, माधो जो न आए मन भ्रमर जो भवेंगे, बंधवे को बूंदनी वियोगनी को बीनी बीनी, बंधवे को बूंदनी वियोगनी को बीनी बीनी, आए बेरी बादर बिसासी विश्व भवेंगे। तो देखो बच्चों, ये पद कवि आलम ने लिखा है। तो इस पद में जो कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं, उन कठिन शब्दों का हम यहाँ पर बताते हैं कि कौन कौन से कठिन शब्द आए, उनसे आपका परिचय कराते हैं। देखो, कठिन शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ, इसमें शब्द आया भीत। भीत का मतलब होता है डरा हुआ, भयंकर। भीत का मतलब क्या होता है, डरा हुआ या भयंकर। शब्द है राती, राती का मतलब होता है लाल। राती का मतलब कैसा होता है, लाल। राती का मतलब लाल बताया है। अब एक शब्द है तवेंगी, तवेंगे शब्द आया है, तो तवेंगे का मतलब होता है दुख पाना, दुख पाएंगे। तवेंगे का मतलब क्या होता है, दुख पाएंगे। और अनिल शब्द आपने बहुत पहले से ही पढ़ रखा है। अनिल, अनिल किसे कहते हैं, अनिल कहते हैं हवा को, वायु को। और इसका ही मिलता जुलता एक शब्द और है, अनिल से मिलता जुलता शब्द कौन सा, अनल। अनल कहते हैं आग को और अनिल कहते हैं वायु को या हवा को। ग्रीष्म, अच्छी तरह जानते हैं आप ग्रीष्म ऋतु को, गर्मी की ऋतु होती है जो ग्रीष्म बोलते हैं। उषम माने उष्ण, उषम माने उष्ण, और भवेंगे मतलब भटकना। भवेंगे का मतलब होता है भटकना, इधर उधर भटकना। बीनी बीनी, बीनी बीनी मतलब चुन चुन कर, चुन
चुनकर। विषासी विषासी का मतलब होता है विश्वासघात करने वाला, विश्वासघाती। और विष, विष कहते हैं विष को या जहर को। बच्चों ये कठिन शब्दार्थ हैं, ये इस पद में कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं। भीत माने डरा हुआ या भयंकर, राती माने लाल, तबेंगे माने दुख पावेंगे, अनिल माने वायु, ग्रीष्म माने ग्रीष्म ऋतु, उषम माने उष्ण, उष्ण मतलब गर्मी, भवेंगे मतलब भटकना, बीनी बीनी कहते हैं चुन चुन कर, और विश्वासी कहते हैं विश्वासघात करने वाला अर्थात विश्वास घाती, और विष कहते हैं विष को या जहर को। देखो बच्चों जब तक हम कठिन शब्दों को नहीं समझ पाएंगे तो ये अर्थ भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हमें ये जो शब्द है, कठिन शब्द हैं, इनको समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखो अब हम इसका अर्थ करके सुना देते हैं। शीत रिपु भीत भई छाती राती ताती तई, ऐसे ताप तीय तन तय है न तवेंगे, आलम अनिल इस राय के कलन मिली, दीनों है कलेश सुधि आए दोनों दबेंगे, ग्रीषम ते उषम है विषम असाढ़ उदो, माधो जो न आए मन भ्रमर जो भवेंगे, बंद वे को बूंदनी वियोगनी को बीनी बीनी, आए बेरी बादर विशासी विश्व भवेंगे। तो देखो ये जो प्रस्तुत अवतरण है कवि आलम द्वारा रचित प्रेम के लिए काव्य से उद्धृत है। इसमें कवि आलम ने गोपियों के माध्यम से बताया है कि ग्रीष्म ऋतु और अषाढ़ ऋतु ये गृहणियों के लिए बहुत ही दुखदायी होती है। इसी संदर्भ में कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, देखो शीत रिपु भीत भई छाती राती ताती तई, ऐसे तापति ये तन तय न तवेंगे, गोपियां उद्धव से अपनी गृह व्यथा एवं प्रेम की अनन्यता को प्रकट करती हुई कहती हैं। गोपियां उद्धव से अपनी गृहव्यथा एवं एकनिष्ठ प्रेम को प्रकट करती हुई कहती हैं कि शीत ऋतु की तीव्रता के कारण, शीत ऋतु की तीव्रता के कारण हम सभी गोपियां डर गई हैं, और गर्मी के ताप से, जो गर्मी है उसकी तपन से हमारी छाती गर्म हो गई है, हमारा शरीर गर्म हो गया है। शीत ऋतु की तीव्रता से हम डर गई है, और गर्मी की तपन के कारण हमारा जो ये शरीर है ये गर्म हो गया है। इस ताप से इतने तप चुके हैं, इतने दुखी हो चुके हैं कि गृहिणियों के शरीर अब बचने वाले नहीं हैं। कवि कहते हैं कि ये ताप इतना अधिक पड़ रहा है कि गृहिणियों के शरीर अब बचने वाले नहीं हैं। आलम अनिल इस राय के कलन मिली, दीनों है कलेश सुधि आए दोनों दबेंगे। कवि आलम वर्णन करते हुए कहते हैं कि हवा इठला करके बह रही है, वह फूलों की कलियों को छू करके उनकी सुगंध से पूर्ण तरह से भर गई है। फूलों की कलियों को छू करके उनकी सुगंध से पूर्ण तरह से भर गई है, जिसके स्पर्श से हमें प्रिय कृष्ण की और भी अधिक याद आती है, और हमारा जो शरीर है वह उस ब्रह से जलने लगता है, तथा हमको बहुत अधिक पीड़ा सताती है और हमारी पीड़ा बढ़ती चली जाती है।
पीड़ा सताती और पीड़ा बढ़ती चली जाती है। माधो जो न आए मन सॉरी ग्रीषम ते उषम है विषाम विषम अषाढ़ उदो माधो जो न आए मन भ्रमर जो भवेंगे। कवि कवि आलम कहते हैं कि हे उद्धव, ये अषाढ़ का महीना तो गर्मी की ऋतु से बहुत अधिक तप चुका है, ये हमें बहुत ज़्यादा दुखदाई है। अब यदि कृष्ण हमारे पास नहीं आए तो ये भ्रमरों की तरह इधर उधर भटकने लगेंगे और हम बावली की तरह भटकने लगेंगे। हम अगर कृष्ण आए तो हम बावली की तरह भटक जाएंगे। बंदी वे को बूंदनी वियोगनी को बीनी बीनी आए बेरी बादर बिसासी बिस बवेंगे। कवि कहते हैं कि हे उद्धव, ये विश्वासघाती बादल अब उमड़ आए हैं। ये जो विश्वासघात करने वाले जो बादल हैं, जो हमारे साथ में विश्वासघात करते हैं, ये अब उमड़ आए हैं। ये अब हमारा वध करने को, हम वृह से पीड़ित वियोगनियों को पीड़ाएं देने के लिए अपनी जो ये बूंदें हैं, बरसात की बूंदें हैं, उन बरसात की बूंदों के बाण हम पर छोड़ेंगे, हम पर मारेंगे और हमें चुन चुन करके मारेंगे। बाण हम पर छोड़ेंगे और ये हमें चुन चुन करके मारेंगे। इस प्रकार कवि कहते हैं कि इस प्रकार ये हमारे लिए विष उत्पन्न कर देंगे और इस विष की जलन जैसी ही पीड़ा हमारे मन में फैल जाएगी। तो कवि इसमें गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन करते हैं और उनकी श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को भी दर्शाते हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार है, आक्षेप अलंकार है और ये जो पद है कवित छंद में रचा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये नेक्स्ट पद है, इसी प्रेम के लिए का, इसको हम पढ़ करके सुना देते हैं। लता प्रसून डोल बोल को किला आलापी की। लता प्रसून डोल बोल को किला आलापी की, लोल कोक कंठ तो प्रचंड भ्रंग गुंज की। लता प्रसून डोल बोल को किला आलापी की, लोक कोक कंठ तो प्रचंड भ्रंग गुंज की। समीर बास रास रंग रास के बिलास बास, समीर बास रास रंग रास के बिलास बास, पास हंस नंदनी हिलोर केली पुंज की। आलम रसाल बन गान ताल काल सो, आलम रसाल बन गान ताल काल सो, बिहंग बेगी चाली चित लाज लुंज की। बिहंग बेगी चाली चित लाज लुंज की, सदा बसंत हंत लोक ओक देव लोक ते, सदा बसंत हंत लोक ओक देव लोक ते, बिलोकी रीजी रही पाती भांति सो निकुंज की। बिलोकी रीजी रही पाती भांति सो निकुंज की। तो देखो बच्चों, ये इसका पद था और इस पद में जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उनको मैं बता देता हूँ। देखो, ये अलाप का मतलब होता है आवाज, केकी कहते हैं मोर को, अलाप माने आवाज, केकी माने मोर, कोक कहते हैं चकवा नामक एक पक्षी होता है जिसे चक्रवाक भी कहते हैं, चकवा नामक पक्षी होता है। भृंग कहते हैं भ्रमर, भृंग किसे कहते हैं, भृंग भ्रमर को कहते हैं, और बास माने खुशबू। बास माने क्या होता है, बास माने खुशबू होता है। देवलोक स्वर्ग को कहते हैं, पांति माने पंक्ति या कतार,
और एक शब्द आया है विलास। विलास का मतलब होता प्रेम क्रीड़ा, भोग विलास, प्रेम क्रीड़ा। हंसनंदिनी कहते हैं यमुना नदी को, यमुना नदी को। हिलोर, हिलोर कहते हैं लहर को, हिलोर माने लहर। और लुंज, लुंज का मतलब होता है हरण करना। तो देखो बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ हैं। अलाप आवाज, केकी मोर, कोक चकवा या चक्रवाक पक्षी, भृंग माने भ्रमर, बास माने खुशबू, देवलोक कहते हैं स्वर्ग, पाति माने पंक्ति या कतार, विलास कहते हैं प्रेम क्रीड़ा को, हंस नंदिनी कहते हैं यमुना को, हिलोर माने लहर, लुंज माने हरण करना। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। तो देखो बच्चों, इसका हम अर्थ करके बता देते हैं। लता प्रसून डोल बोल को के ला अलापी के की, लोल को के कंठ त्यो प्रचंड भृंग गुंज की। तो देखो, ये जो अवतरण है आपको पता ही है कि कवि आलम द्वारा रचित प्रेम के लिए से अवतरित है। इसमें यमुना नदी के किनारे रास क्रीड़ा का आनंद स्वर्ग के दुखों को भी दूर कर देता है, देवताओं के दुखों को भी दूर कर देता है। इसी भाव का यहाँ कवि आलम ने वर्णन किया है। तो देखो, कवि आलम वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि यमुना नदी के तट पर लता एवं पुष्प खिले हुए हैं। यमुना नदी के तट पर लता एवं पुष्प खिले हुए हैं। लता प्रसून मतलब लता एवं पुष्प खिले हुए हैं, और कोयल मधुर स्वर में बोल रही है, और कोयल है जो मधुर स्वर में बोलती है, तथा मोर है, मोर भी वहाँ पर गाते हैं, मोर भी वहाँ पर गाते हैं। और चकवा नामक जो पक्षी होता है, चकवा की मीठी पुकार वे भ्रमरों की गुंजार वहाँ सुनाई देती है। चकवा की मीठी पुकार एवं भ्रमरों की गुंजार वहाँ पर सुनाई देती है। समीर बास रास रंग रास के बिलास बास पास हंस नंदिनी लोर केली पुंज की। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुगंधित वायु में जो उस प्रेम क्रीड़ा का आनंद, और जो प्रेम क्रीड़ा है उन प्रेम क्रीड़ाओं की सुगंध भरी हुई है। रास के समय गोप गोपियों के शरीर पर, रास के समय जो गोपियों के शरीर पर लगे हुए सुगंधित जो द्रव्य होते हैं, सुगंधित पदार्थ होते हैं, वे वायु में फैल जाती हैं। जो सुगंध है वो वायु में फैल जाती है। गोप गोपियों की जो रास क्रीड़ा की जो वायु सुगंध है वो क्या है कि हवा में फैल जाती है। देखो, आलम रसाल बन गान ताल काल सु विहंग बेगी चाली चित्त लाज लुंज की। यमुना नदी के तट पर जो केली क्रीड़ा के स्थान बने हुए हैं, यमुना नदी के तट पर केली क्रीड़ा के स्थान बने हुए हैं, केली क्रीड़ा के स्थान बने हुए हैं, लहरों की तरह दूर दूर तक फैले हुए हैं, लहरों की तरह दूर दूर तक फैले हुए हैं, और आम के बगीचों में गीत एवं लय की जो मधुरता होती है वह फैली हुई है। कवि कहते हैं कि पक्षियों के तीव्र गति से चलने से हवा मन की लाज का भी हरण कर लेती है। हवा होती है वो मन की लाज का भी हरण कर लेती है पक्षियों के तीव्र गति से चलने के कारण। सदा बसंत हंत लोक ओक देप लोकते बिलू की रिज रही पाती भांति सोने कुंज। देखो बच्चों, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु की शोभा, बसंत ऋतु की जो सुंदरता है, शोभा है, वो
स्वर्ग के समान सब प्रकार के दुखों का हरण कर लेती है और यमुना के तट पर कुंजों की जो कतारें हैं उन्हें देख करके मन उनकी तरफ मोहित हो जाता है, अपना मन उनकी तरफ रीझ जाता है। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है और ये जो पद है जो कवित छंद में रचा गया है। धन्यवाद।